नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मनोहर सरकार प्रदेश में विकास के पहिए को रफ्तार देने के लिए लगातार देश विदेश के उद्योगपतियों को हरियाणा में लाने में जुटी है। 7 मार्च से 9 मार्च तक प्रदेश सरकार हैपनिंग हरियाणा का आयोजन भी करने जा रही है। उसमें देश विदेश के उद्योगपतियों को शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन गुड़गांव के उद्यमियों के बड़े खेमे ने हैपनिंग हरियाणा के विरोध की चेतावनी दी है। खिलाफ काले झंडों के साथ विरोध की धमकी भी दे डाली। यहां पर IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने विरोध का ऐलान करते हुए प्रदेश में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने की मांग करते हुए हैपनिंग हरियाणा पर कई सवाल खड़े किए। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हैपनिंग हरियाणा का विरोध वो भी इस दौर में कितना जायज है, और क्यों हो रहा है हैपनिंग हरियाणा का विरोध अभी से? तो क्या सिर्फ प्रचार के लिए ही विरोध हो रहा है, ये भी एक मसला है। इन्हीं तमाम सवालों पर एक खास पैनल से हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी बहस की शुरुआत करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखें। प्रदेश का एकमात्र सबसे बड़ा औद्योगिक हब गुड़गांव 7 से 9 मार्च के बीच प्रदेश के सबसे बड़े आयोजन हैपनिंग हरियाणा का गवाह बनने जा रहा है। मनोहर सरकार ने हैपनिंग हरियाणा को सफल बनाने के लिए पूरी जान झोंक दी है, जिसके लिए देश विदेश के उद्योगपतियों के अलावा हरियाणा से संबंध रखने वाले NRI को भी न्योता भिजवाया गया है, ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए हरियाणा की हैपनिंग तस्वीर देख कर उद्योगपतियों को रिझाया जा सके। लेकिन इस सब के इतर प्रदेश में उद्योग चला रहे उद्योगपति प्रदेश सरकार के हैपनिंग हरियाणा पर ही सवाल उठा रहे हैं। हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि जो उद्योग हैं वो बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके बाद उन लोगों को आकर्षित करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है आज वो बहुत ज्यादा सफर कर रही है। एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश सरकार मौजूद उद्योगपतियों की समस्याओं को लेकर जरा भी संजीदा नहीं है। ऐसे में बाहर से दूसरे निवेशकों को कौन से हैपनिंग हरियाणा की तस्वीर दिखाने की तैयारी सरकार कर रही है? MNP डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, सील खोलते हैं, फिर मीटर लगाते हैं, टेस्ट कराते हैं, फिर उसको 3-3 दिन तक वो सील वापस नहीं लगाते, यानी कि 3-4 दिन तक फैक्ट्रियां बंद रहती हैं। क्या उनका ये दोष है कि उन्होंने हरियाणा में उद्योग लगाया? इसी तरह IMT मानेसर की अगर मैं बात करूंगा, आज 15 वर्ष से ज्यादा इसको कंप्लीट करे हुए हो गए, आज तक फायर स्टेशन नहीं है। तो हर साल हमारी 2-3 फैक्ट्रियां जलकर राख हो जाती है, क्या यही है हैपनिंग हरियाणा है? ऐसे में अब मनोहर सरकार के हैपनिंग हरियाणा पर आई बिन बुलाई मुसीबत क्या असर डालती है, इसका पता तो आयोजन के बाद ही चलेगा। लेकिन इतना तय है कि सरकार को परायों को अपना बनाने की मुहिम से पहले अपने घर के अपनों के दर्द की दवा का इंतजाम पहले करना चाहिए। गुड़गांव से राज वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। जी हाँ, सवाल ये जायज है कि अपनों का दर्द पहले समझना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आखिर क्यों इस दौर में विरोध हो रहा है। एक तरफ हरियाणा सरकार के मुखिया लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसमें सफलता मिलती दिख रही है। कितनी सफलता मिलेगी भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल आज के दौर में जिस तरीके से अब यहां विरोध शुरू हो गया, उसमें क्या राजनीतिक कोई नजरिया है या वाकई उनकी बात भी जायज है जिसकी अनदेखी सरकार कर रही या सरकार तक वो बात पहुंच नहीं पा रही? ये तमाम सवाल है जिनको चर्चा में शामिल करेंगे हम। फिलहाल सवाल यह कि हैपनिंग हरियाणा का विरोध कितना जायज है, अभी एक कोशिश कर रही है सरकार और अभी से इस तरीके का विरोध क्यों आखिर किया जा रहा है? क्यों हो रहा है हैपनिंग हरियाणा का विरोध? क्या सिर्फ प्रचार के लिए विरोध करने का रास्ता अख्तियार किया गया है? लेकिन अगर हम इस सवाल को दो पहलू में बांट कर देखें कि अगर प्रचार की बात हो तो वो एक राजनीतिक प्रचार हो सकता है अपनी जमीन तैयार करने के लिए, जमीन को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, लेकिन उद्यमी अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर आखिर उनकी बात में भी क्या कोई सच्चाई है? इन तमाम सवालों को हम चर्चा में शामिल करेंगे कि आखिर क्यों प्रचार की बात यहां पर, क्यों आखिर विरोध की बात है? एक कोशिश अगर सरकार कर रही है और उसमें अगर उसको 50% भी सफलता मिलती है तो यह भी बेहतर होगा। और आज ही रोड शो के बाद 12 अग्रणी कंपनियां जो कि आकर्षित हुई हैं और 3000 रोजगार के अवसर सुलभ हो सकते हैं, ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, और 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये तमाम बातें हैं। लेकिन उसी बीच में विरोध के स्वर भी प्रदेश में बुलंद हो रहे हैं। चलिए तो हम बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सवाल इसी बात का है कि दरअसल आखिर क्यों विरोध होने लगा? हर तरह से विरोध की अगर बात होती है तो उसमें दोनों पक्ष आमने सामने और दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर सरकार जो कोशिश कर रही है उससे किसी के पेट पर
बल पड़ रहा है, मरोड़ है, क्या उसकी वजह से इस मसले को उलझा दिया गया, उठा दिया गया, या वाकई सरकार जो दावा कर रही है वो दावे हकीकत से कोसों दूर है, कहीं कोई निवेश नहीं, कहीं कोई माहौल नहीं, क्योंकि राजनीतिक टिप्पणियां हमने लगातार सुनी है कि दरअसल पहले माहौल बनाए सरकार, क्योंकि माहौल है नहीं और कहां से कोई निवेश आएगा। मैं अपने मेहमानों से आपको तारुफ कराता हूं। मेरे पास साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में सूरजपाल अम्मू साहब, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है अम्मू सर आपका। चंडीगढ़ से हमारे साथ केवल ढिंगरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है ढिंगरा साहब आपका। और प्रवीण अत्री साहब, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है अत्री साहब आपका। और प्रदीप मलिक, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप मलिक जी आपका। और मेरे साथ गुड़गांव से मनोज त्यागी उद्यमी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सबसे पहले मैं यहां पर सवाल यह लेना चाहूंगा मनोज त्यागी साहब आपसे, विरोध अभी से शुरू हो गया है, इस विरोध में क्या आपकी भी आवाज है, और है तो क्यों है, क्यों आखिर ऐसा लगता है कि सरकार अपनी जो कोशिश कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश ही रह जाएगी, या वो एक नाकाम कोशिश बनकर रहेगी, या उसमें कोई भी सत्यता नहीं है, दिखावा कुछ है और दिखने वाला कुछ है, क्या है मसला? देखिए अतुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर दिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और ना ही हम इसका कोई पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं और ना ही किसी को दूसरे को उठाने देंगे। ठीक है। जो ये हैपनिंग हरियाणा का सरकार का 7 से 9 मार्च का हैपनिंग हरियाणा का कदम है, मैं उस हर कदम का साथ देता हूं, सराहना करता हूं जो किसी इंडस्ट्री को उठाने के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, चाहे वो सरकार उठाए, चाहे विपक्ष उठाए, कोई सी पार्टी उठाए, कोई सी एसोसिएशन आए, हमारा हमेशा उसको समर्थन रहेगा। ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हैपनिंग हरियाणा, जब हम लोगों को ये कहते हैं कि जी आप विदेश से या हरियाणा में आए अपनी इंडस्ट्री लगाएं, उससे पहले हमारे यहाँ जो अपनी इंडस्ट्री है उनको मूलभूत सुविधाएं दें। पिछले 8-10 सालों से हम काफी संघर्ष करते रहे हैं बेसिक सुविधाओं के लिए। हरियाणा का एकमात्र सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया IMT मानेसर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले 10 सालों से हम निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं। कुछ मांगे हमारी मान ली जाती हैं जो हमारी जायज मांगे हैं, और कुछ अभी तक नहीं मांगे गई मानी गई हैं। तो है। मेरा मानना यह है कि बिफोर हैपनिंग हरियाणा शुरू करने से पहले सरकार को एक बार हमारे साथ बैठना चाहिए, जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं उनको मानना चाहिए। अगर ये मांगे हमारी मानी जाती है, वो मांगे मेरी अपनी पर्सनल नहीं है, पब्लिक वेलफेयर की मांगे हैं। ठीक है। उसके बाद हम खुद अपनी हरियाणा में लोगों का स्वागत करने के लिए सबसे आगे मैं मिलूंगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। मैं आपको बताना चाहूंगा लेबर वेलफेयर के लिए पिछली सरकार से मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ। पिछली सरकार में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लेबर वेलफेयर फंड के नाम पे, 1800 करोड़ रुपए इनके पास इकट्ठा हो गया है। इन्होंने कितना वेलफेयर किया है, ना पब्लिक टॉयलेट्स हैं या वर्कर्स के लिए कोई टॉयलेट, आज तक एक टॉयलेट्स नहीं बनाया, उस पैसे को इकट्ठा करने का फायदा क्या है? फायर स्टेशन की बात करूं तो पिछले 10 साल से पिछली सरकार में मैं लड़ता आज बड़ी मुश्किल से साइट अलॉट हुई है। 2 साल से मैं सुनता रहा हूं टेंडर कर रहे हैं, फायर स्टेशन आज तक मानेसर में नहीं है। जब तक ये बेसिक सुविधाएं नहीं होगी, हर साल 2-3 फैक्ट्रियां वहां जलकर राख हो जाती हैं। अच्छा, तो ये सारी मनोज जी हम आगे भी चर्चा करेंगे, संक्षेप में इतना सा बता दीजिए कि जो सारी दिक्कतें थी, जो सारी आप लोगों की मांगे थी, ये लंबे समय से चली आ रही है, यानी पुरानी सरकार के दौर से अब तक? जी सर, बिल्कुल पुरानी सरकार के दौर से चली आ रही हैं। और मैं इस मामले में मैं जरूर कहूंगा कि इस सरकार का रुख अच्छा है, पॉजिटिव रुख है, सरकार अच्छा काम कर रही है। हालांकि अधिकारी वही होते हैं, उनका रवैया अभी भी पुराना वाला है। ठीक है। अधिकारियों को नई सरकार के हिसाब से रवैया बदलने की जरूरत है, क्योंकि अधिकारियों का रवैया अभी बदला, अधिकारियों से काम कराना आना चाहिए। अधिकारी तो वही होते हैं, सही कहा आपने, लेकिन काम कराना आना चाहिए। और आपने अच्छी बात कही यहाँ पर, कम से कम सकारात्मक सरकार के लिए, आपको रुख इनका अच्छा लगता है। ठीक है, रुख आपको अच्छा लगता है। और आप ये कहते हैं खुले दिल से कि हैपनिंग हरियाणा में हम खुद सबका यहाँ पर जो आएंगे लोग उनको यहाँ पर आमंत्रित नहीं करेंगे बल्कि खुले दिल से स्वागत करेंगे, लेकिन हमारी बात भी सुन ली जाए। मैं अम्मू साहब से सवाल लूं, उसके पहले मैं चाहूंगा बाकी लोगों से राय ले लूं, उसके बाद आखिरी में उनकी प्रतिक्रिया। केवल ढिंगरा साहब, आपके दौर से वो मांगे चली आ रही हैं, इनके दौर तक जारी हैं, हालांकि इनका रुख थोड़ा इनको अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप विरोध जो हो रहा है उसको कितना समर्थन देते हैं, या आपका नजरिया क्या? देखिए, विरोध की बात नहीं है, बाहर से अगर कोई इंडस्ट्री आती है तो उसका स्वागत करना चाहिए, जैसे मनोज जी ने कहा तो अच्छी बात है अगर कोई इंडस्ट्री बाहर से आती है। लेकिन जहां तक हरियाणा का सवाल है,
जहां तक भारतीय जनता पार्टी के 1.5 साल का सवाल है, आप ये देखिए कि इन्होंने जो हालात इस समय 1.5 साल के अंदर बनाए, जैसे बिजली का रेट इन्होंने बहुत बढ़ाया, 40% दरें इंक्रीज करी, और निवेश के लिए बिजली पानी को लोगों को इंडस्ट्रीज को नहीं मिल रहा, सड़कें वहां पे मुहैया नहीं हो रही, उनके उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मुहैया हो रहा, तो आप किस तरीके का अब बनाना चाहते हैं हैपनिंग हरियाणा? अगर आप हैपनिंग करें तो हरियाणा हैपनिंग होगा, हैपनिंग तो की नहीं, हरियाणा हैपनिंग के ख्वाब देखने लग गए अभी। ये मतलब जो बात कर रहे थे मनोज जी, ये बात ठीक कह रहे हैं कि उनका स्वागत करेंगे, लेकिन आप अगर किसी बाहर से कोई आदमी आता है और वो फैक्ट्री लगाता है तो वो अब सबसे पहले अपने पड़ोसी से बात करेगा। जब वो पड़ोसी से पूछेगा कि यहाँ पे बिजली का रेट ये है, यहाँ पे हालात ये है, यहाँ पे ये सिस्टम है, तो वो काम करने से पहले ही भाग जाएगा। तो इस तरह का हरियाणा भारतीय जनता पार्टी अगर हैपनिंग करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि ये चल पाएगा इस तरीके से। ठीक है, लेकिन निवेशक तो आकर्षित हो रहे हैं ना सर, अब देखना होगा कि कितना आकर्षित होते हैं और कितना निवेश करते हैं। प्रवीण अत्री साहब अपनी टिप्पणी करें। देखिए अतुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से एक छद्म माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है प्रचार माध्यमों के जरिए हैपनिंग हरियाणा का, लेकिन जो उद्योगपति जैसे अब मनोज त्यागी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को, वो आज भी वही बात कर रहे हैं कि साहब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साहब जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो किस तरह से आप हैपनिंग हरियाणा की बात करेंगे? हरियाणा को हैपनिंग बनाने के लिए आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पावर एक बहुत बड़ा कारण है। आज गुड़गांव की अगर मैं बात करता हूं राहुल, मेरी खुद कुछ उद्योगपतियों से बात हुई आज इस बारे में, आपको जान के हैरानी होगी कि गुड़गांव में जो 5 बड़े उद्योग हैं वो बिजली बाहर से खरीदते हैं, वो हरियाणा से बिजली नहीं ले रहे हैं क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। और हालात ये है कि जो मेटल इंडस्ट्रीज हैं जिनका काम है मेटल के साथ, या जो मेटल को पिंगला के उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, मेरी एक ऐसे उद्योगपति से बात हुई है, आपको जान के हैरानी होगी साहब, वो कहते हैं कि साहब जितना ढलाई का काम होता है, मेल्टिंग का काम होता है, आज हालात ये है कि हमें बाहर से करवाना पड़ता है, हम केवल यहाँ पे ग्राइंडिंग करते हैं। और उसके पीछे कारण फिर वही है कि हमें मेल्टिंग के लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, फॉर एग्जाम्पल थर्मोस्टेट टेम्परेचर 1000 डिग्री उनको मेंटेन करना है, और हरियाणा में ये है बिजली के कब कट लग जाए तो जितना मटेरियल उस वक्त फर्नेस में है वो वेस्ट हो गया, खराब हो गया। तो जब प्रदेश के अंदर इस तरह के हालात हो पावर सेक्टर के, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन बुरे हालात के अंदर है, रोड्स के हालात खराब है। आईएमटी मानेसर की मैं बात करता हूं, आईएमटी मानेसर जो है इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के दौरान बना, विजन था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, जब आईएमटी मानेसर को बनाया गया, कामयाब किया गया, लेकिन जो रोड्स उस वक्त बनी थी जितनी पॉपुलेशन और के हिसाब से रोड्स बनी थी आज भी वही रोड्स है, नो चेंज इज देयर। आज मनोज जी यहां बैठे हैं, ये बता सकते हैं कि अगर कोई बड़ी गाड़ी माल लोड या अनलोड करना हो तो दिन के टाइम ये हालात ही नहीं है कि ये कर पाए, इनको स्पेशली आपको रात को करना पड़ेगा या इनको छोटी गाड़ियों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब जो उद्योग पहले से काम कर रहे हैं प्रदेश में और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से वो अपने आखिरी सांस गिन रहे हो, उस हालात में अगर सरकार हैपनिंग हरियाणा की बात करे तो वो एक मजाक लगता है। ठीक है, यानी इनेलो के दौर में जो चीजें बेहतर हुई थी या बेहतर बनाई गई थी, कांग्रेस उसको भी बेहतर नहीं कर पाई और बढ़ा नहीं पाई, और बीजेपी भी वही कर रही है, ये भी हैपनिंग हरियाणा की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो तमाम उद्योग हैं या जो उद्योग इस वक्त लचर हालत में हो गए हैं उनको ये नहीं देख रहा है, लेकिन हैपनिंग करना जरूर चाहते हैं। प्रदीप मलिक मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले मैं चाहूंगा सूरज पाल अमू साहब सबका जवाब दे। अमू साहब बताइए, हैपनिंग हरियाणा विरोध भी शुरू हो गया, हालांकि मनोज जी ने कहा है कि आप लोगों का रुख अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात और भी रखी, क्यों आखिर अपनी नींव मजबूत किए बिना महल बनाने का सपना? 15 महीने के अंतराल में हम लोगों ने हैपनिंग हरियाणा का जो प्रोजेक्ट जो मार्च में हमारा होने वाला है उसको लेकर जिस प्रकार से हरियाणा में, हरियाणा के आसपास के शहरों में, क्षेत्रों में, राज्यों में, और उसके अलावा जापान, कनाडा, चीन, अमेरिका और अनेकों देशों से जिस प्रकार से हमारे को सहयोग मिलने की उम्मीदें हमारी जगी है, हमारा हौसला बढ़ा है। मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री को और प्रदेश के वित्त मंत्री को, हरियाणा सरकार को मैं कह रहा हूँ बहुत बधाई के पात्र हैं, इन लोगों ने इतनी मेहनत करी और दिन रात एक किए हुए हैं।
दिल्ली में अनेकों अनेक व्यापारिक संगठनों से बैठक करना, उन बैठकों में उन लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका हक का निराकरण भी साथ साथ करना, सिंगल विंडो करना, उसके अलावा लाल फीताशाही को समाप्त करना। मेरे जो विपक्ष के मित्र हैं, शायद उन्होंने मनोज जी की बात ध्यान से सुनी नहीं। मनोज जी ने कहा है कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, सराहनीय काम किए हैं। जैसे प्रवीण अत्री जी ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में इसका आईएमटी मानेसर का गठन हुआ था। मैं कहता हूं आपकी सरकार के अंदर प्रवीण जी गठन हुआ, उसके बाद लगातार 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, आप लोगों ने आईएमटी मानेसर बनाया, परंतु इन 15 सालों के दौरान आईएमटी मानेसर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो क्या 15 महीने के अंदर जो हम प्रदेश को, गुड़गांव को, पूरे प्रदेश को हरियाणवी एक हरियाणा एक का नारा देकर हम काम करना चाह रहे हैं, उन बातों को आप अलग दरकिनार करके अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास ना करें। मनोज जी, आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। धन्यवाद आपका, आपने सरकार के कार्यों की प्रशंसा की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपने एक बात कही कि अधिकारियों का ढर्रा वही के वही है। मैं आपको चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूं, मुझे आप एक अधिकारी का नाम बताएं, उस अधिकारी के ऊपर अगर भ्रष्ट होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई अभी तुरंत, कल कार्यालय खुलने के तुरंत बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमने अधिकारियों जो लाल फीताशाही, जो अधिकारी दफ्तरों में जाकर, जो मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदार पिछली सरकारों में आईएमटी मानेसर के अंदर लूट खसोट करते थे, हमने उस लूट खसोट को बंद करने का काम किया है। हाँ, छोटी मोटी कमियां, जैसे आपने टॉयलेट की बात बताई, एक दो और समस्याएं बताई, निश्चित तौर पर कमियां रही होंगी। बिजली हाँ, मैं वही, बिजली की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात बताना चाहता हूँ, प्रवीण अत्री जी, जो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, आपको मानेसर के बारे में जानकारी नहीं है। आईएमटी मानेसर के रोड जितने बड़े बड़े हैं, जितने सुंदर वहाँ के रोड बने हुए हैं, जिस प्रकार से वहाँ काम चल रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं सर, मानेसर में था, आराम से आ रहा हूं, अत्री साहब आ रहा हूं, अत्री साहब आ रहा हूं, अत्री साहब आऊंगा। प्रवीण जी, आपकी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है। अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो आपको इस विषय पर बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिजली महंगी है। और आपको ठीक है सर, ठीक है, हम ये बात मनोज जी से विषय को बटका रहे हैं, मनोज जी को ही हम सुन लेते हैं। आज अत्री साहब, जिस प्रकार से उद्योग हरियाणा की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उन उद्योगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अत्री साहब, मैं आऊंगा सर, मैं चाहूंगा कि इसका संक्षेप में जवाब मनोज जी दे। मनोज जी, जो बात अम्मू साहब ने कही है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं आ रहा हूँ सर, अत्री साहब आऊंगा। मैंने भ्रष्टाचार के लिए कुछ नहीं कहा, जो आपकी सरकार करी है भ्रष्टाचार के लिए वो अलग मैटर है। मैंने अधिकारियों के रवैये के लिए कहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल अभी दे सकता हूं, जो छोटे उद्योग होते हैं, जो माइक्रो यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है, आपका बिजली डिपार्टमेंट ने मानेसर के अंदर, कम से कम मेरे पास आरटीआई की इंफॉर्मेशन है, 50 से ज्यादा इंडस्ट्री को कॉमर्शियल के नोटिस दे दिए कि आप फैक्ट्री नहीं चला रहे, कॉमर्शियल चला रहे हो। कोई रिसर्च सेंटर है तो उसको कॉमर्शियल का नोटिस दे दिया, कोई पैकिंग का काम कर रहा है तो उसको कॉमर्शियल का नोटिस दे दिया, किसी ने इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत ऑफिस तो हरेक को चाहिए, उसको कॉमर्शियल का नोटिस दे दिया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्री के रेट और कॉमर्शियल के रेट में मात्र 10 पैसे का अंतर है, उसके बावजूद भी उन्होंने उनको बहुत मोटे मोटी पेनल्टी के साथ वो लगा दिया, जबकि हरियाणा सरकार की नीति के अकॉर्डिंग उनको प्लॉट अलॉट किए गए हैं। एज पर हरियाणा गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमारे हिसाब से ये इंडस्ट्री नहीं है, कॉमर्शियल है, आईटी है, आईटी में कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनता, उसको वो कॉमर्शियल मानते हैं। इसी तरह मैं आपको, कब से है, कब हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटे उद्योग परेशान क्यों है। मैनकाइंड एक मानेसर के अंदर बड़ी कंपनी है, वो रिसर्च सेंटर है, उसको 1,54,00,000 रुपए का नोटिस दिया जाता है कॉमर्शियल यूज के ऊपर, जबकि वो इंडस्ट्री है। वो हाई कोर्ट में चली जाती है, डिपार्टमेंट विड्रॉ कर लेता है कि आप 10 पैसे का डिफरेंस दे दो, हम आपका विड्रॉ कर लेंगे, मात्र 3,00,000 रुपए में उसका माफ हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता। बाकी डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो, ऐसी हजारों इंडस्ट्री है जिसको आपने कॉमर्शियल का नोटिस दे रखा है। आज मैं एक साल से आपके एमडी डीएचबीएन को 50 बार फोन कर चुका हूं कि मानेसर के काफी सारे केस है, सीएम साहब को मैंने बोला है, सीएम साहब के आगे एमडी ने कहा है कि उस पैटर्न पे हम सबके विड्रॉ कर लेंगे। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को, अब आपके डिपार्टमेंट में एक कंपनी का माफ कर दिया, बाकी छोटी और बड़े में दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है मनोज जी, आऊंगा,
आपके डिपार्टमेंट में केस करें क्यों? क्या उनका मैं सिर्फ लोगों का दोष ये है कि वो उनके पास पैसे नहीं है हाईकोर्ट में जाने का? आप उनको देखिए ना, ठीक है सर, ठीक है मनोज जी, मनोज जी खुद ही डिपार्टमेंट का क्या इंडस्ट्री है, क्या इंडस्ट्री नहीं है? अतुल जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, त्यागी जी क्या अगर आपकी कोई बिजली की समस्या है, क्या विभाग के किसी और किसी काम से समस्या है? जो हरियाणा के अंदर उद्योग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश के वित्त मंत्री प्रयास कर रहे हैं, अगर प्रदेश के अंदर उद्योग आते हैं तो सुनिएगा, अब आप सुन लीजिएगा, फिर कह चुका हूं आप, मुझे नहीं पता के लिए हम मुख्यमंत्री को अप्रोच नहीं कर सकते भैया, सुनो ना, अधिकारियों को अप्रोच करें, आपको सुनना चाहिए भैया, होना ठीक जरूरी है, आप सुने जा रहा, मुख्यमंत्री को सरकार का नहीं कर सकते। अरे सर, आप अधिकारियों को डायरेक्शन दीजिए कि पब्लिक डीलिंग करें, आपके अधिकारी आज फोन नहीं उठाते हैं, गुड़गांव के अधिकारी को मैं 100 बार फोन करता हूं, वो फोन ही नहीं उठाते। आप सुनेंगे क्या बात, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं त्यागी जी, अगर प्रदेश के अंदर बड़े उद्योग आते हैं क्या उनसे छोटे उद्योगों को फायदा नहीं होगा? अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो आप उनसे मिलकर जो अधिकारी आपकी बात, अरे सुनो भैया, आपको आप नेता है क्या? छोटे आए बड़े आए, हम तो हमेशा उद्योगों, अरे आप सुन तो लो, आपको सुनना चाहिए, हरियाणा की तरक्की करना चाहिए, लेकिन उद्योग, लेकिन अधिकारियों का रवैया मैं कहता हूँ जरूरी है, अगर ये एक साल तक वो फाइल रख के बैठ जाते ऑफिस में सर, 2000 ये जो सवाल है फाइल, सवाल का जवाब हम लेंगे, मैं चाहूंगा, ठीक है ठीक है मनोज जी, अगर मैं आ रहा हूँ आपके पास, अमु साहब मैं चाहूंगा, त्यागी जी आपको सुनना चाहिए, मैंने आपको सुना, आपको मेरे को सुनना, सभी लोग एक मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या प्रदेश के अंदर अगर हैपनिंग हरियाणा के माध्यम से प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ रुपए के रोजगार आते हैं, उद्योग लगते हैं, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, तो क्या आपको उससे खुशी नहीं होगी? सर उन्होंने उसका जवाब दे दिया, उनका कहना है उनको खुशी है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, तो आप क्या आने वाले उद्योगों को प्रभावित नहीं कर रहे? मैं चाहता हूं कि इस मार्फत सर एक मौका मिला हमको न्यूज के माध्यम से, आपको अपनी बातें रखनी चाहिए, परंतु सही जगह पे, देखिए सूरज पालम साहब, ये उन्होंने अच्छी बात कही कि अगर यहाँ बाहरी लोगों को लाने के लिए इतनी तैयारी हो रही है तो हमें भी उस प्लेटफॉर्म को यूज करने का मौका मिला और हम भी चाहते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा प्रदीप मलिक, आ रहा हूं अतीश साहब, मैं आऊंगा ढिंगरा साहब आपके पास भी आऊंगा, प्रदीप मलिक मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक पत्रकार के नजरिए से हम क्या समझें, क्या देखें इसको, हैपनिंग हरियाणा का विरोध राजनीतिक पार्टियां करें तो समझ में आता है कि राजनीति जरूरी है वहां पर, वो उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, लेकिन अगर एक उद्यमी ये बात कह रहे हैं खुले दिल से कि हाँ हम स्वागत भी कर रहे हैं लेकिन हमारी ये शिकायतें हैं, हमारी कुछ समस्याएं हैं, उनका भी समाधान, उसमें बिजली का मसला है, उसमें तमाम लाइसेंसिंग का मसला, तमाम बातें जो कि बार बार मनोज जी कह रहे हैं या प्रवीण अत्री साहब ने कही या ढिंगरा साहब ने, इन चीजों पर क्या वाकई सोचने की जरूरत थी लेकिन सोच नहीं पाई सरकार या ध्यान नहीं जा रहा? अतुल जी 9 मार्च तक चाहे उद्योगपति हैं चाहे उनको एक संयम जरूर रखना चाहिए। एक बार जैसे देश में और विदेश में जो प्रचार हो रहा है हरियाणा के बारे में, विदेश में जैसे हरियाणा के बारे में इतना नहीं पता था, अमेरिका कनाडा और चाइना और जापान में जो चर्चाएं हो रही हैं, तो एक बार 9 मार्च तक जरूर इनको इंतजार ये करना चाहिए कि उसके बाद जो बात त्यागी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन 9 मार्च तक संयम रखने की जरूरत है, उसके बाद विश्लेषण भी होगा कितना निवेश आया, जो MOU हुए हैं क्या वो वास्तव में जो MOU पे जो शर्तें थी उस वास्तव में हरियाणा आए या नहीं आए वो तो 9 मार्च के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि जिस हिसाब से अभी काम चल रहा है, अभी जैसे आज के दिन मुख्यमंत्री चेन्नई में है और इससे पहले कोलकाता गए हैं, दिल्ली गए हैं, चीन और जापान होके आए हैं, आज बेसिकली क्या है कि आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी के दौर में यदि माहौल बन रहा है तो उससे उम्मीद कितनी है वो तो 9 मार्च के बाद पता चलेगा, लेकिन जो उद्यमी हैं इनको वास्तव में जो पहले जो आज एग्जिस्टिंग करती है यूनिट्स उनको कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें दिक्कतें तो जरूर आ रही हैं, यदि ये दिक्कतें नहीं होती तो होंडा मोटरसाइकिल का जो दूसरा प्लांट राजस्थान में क्यों जाके लगता, उसकी तीसरी यूनिट बंगलोर में क्यों लगती, चौथी गुजरात में क्यों लगती, मारुति का भी यही है, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बहुत जरूरत है। और जो बिजली वाला पॉइंट बता रहे त्यागी साहब बिल्कुल सही है, बिजली में जो DHBVN है उसके जो ऑफिसर पहले गुड़गांव थे वही आप फरीदाबाद में लगा दिए, फरीदाबाद वाले गुड़गांव हैं वही NCR में, और बेसिकली जो DHBVN में तो ज्यादातर SC और एक्शन सारे, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ज्यादातर विजिलेंस के चार्जशीट भी किए हुए हैं, पिछले दिनों की बात है कि पिलर बॉक्स घोटाला हुआ था उसमें कोई SC 2-3 SC बचे हुए हैं DHBVN में जो
बिल्कुल पाक साफ है, बाकी सारे चार सीटेड है। तो ऑफिसर से आपने इन्हीं से काम लेना है, लेकिन अभी यह है कि जैसे एक माहौल बन रहा, जैसे घर में ठीक है, ये अच्छी बात है कि कम से कम माहौल बन रहा है। हरियाणा का जिक्र विदेश में भी और देश में भी और निवेश की बात भी हो रही है, लेकिन धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन आजकल धैर्य नहीं, बाकी सब है। मैं आऊंगा अत्री साहब आपके पास, झिंगा साहब आपके पास भी, बाकी मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे तो चर्चा में इस मुद्दे को उठाएंगे कि वाकई क्या जो जरूरतें यहां के उद्यमियों की हैं उसकी अभी बहुत ज्यादा अनदेखी सरकार ने की, या उद्यमियों तक उनका मैसेज पहुंच नहीं पा रहा। हैपनिंग हरियाणा हो और सभी स्वागत कर रहे हैं, खुले दिल से कर रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों को भी जरा समझें जो कि यहां के उद्यमी उठा रहे हैं। उसमें बिजली का भी मुद्दा है, जमीन का भी मुद्दा है, रेट का मुद्दा है और तमाम अन्य दिक्कतें जिसको ना सिर्फ उद्यमी बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी लगातार उठाती रही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि बड़ी बहस के आखिरी में हम दिखाते हैं सेल्फी विद डॉटर, देखना ना भूलें। चलिए ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ते हैं, बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। मैं ढिंगरा साहब आपके पास आ रहा हूं। बहुत अच्छी बात यहां पर कही है प्रदीप मलिक ने कि धैर्य क्यों नहीं है। मेरा सवाल सर यह है, ठीक है आप बिजली का मुद्दा उठा रहे हैं, आप जमीन के रेट का मुद्दा उठा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने सुना मनोज त्यागी को कि आप लोगों की सरकार थी तब से लेकर यह दिक्कतें चली आ रही हैं, लेकिन आज के दौर में अगर हम हैपनिंग हरियाणा को सिर्फ यहां तक देखें कि हाँ एक कोशिश है, अब क्या होगा नहीं होगा इसके लिए इंतजार करें, लेकिन उस बीच में विरोध सीधे तौर पर यह करना कि सब बेकार है, कोई माहौल नहीं है, इसका आधार क्या? देखिए मैं इसमें आपको अतुल जी एक बड़ी स्पष्ट चीज बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री चेन्नई जाए, जापान जाए, किसी दिल्ली जाए या किसी और अदर स्टेट जाए, वो बाहर तो जाए, बाहर की इंडस्ट्री को तो बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं, पर आप अपने, ये तो ऐसा हिसाब बन गया ना कि आप अपने घर के बच्चे को प्यार नहीं करते और बाहर के बच्चों को लाके और उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर उन तो घर के बच्चों को आपने भी प्यार नहीं किया था, मनोज जी की बात आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार के दौर से ही वो दिक्कतें हैं। अरे ये कर रहे हैं, बच्चों को आपने भी कहां प्यार किया? हम तो घर के बच्चों को ही प्यार कर रहे थे। हमने तो अभी मैंने तो कहा नहीं, यात्री साहब ने तो कहा नहीं, सूरत पालामू साहब ने तो कहा नहीं, तो हमारे ये बात मनोज जी ने कहा है। आप इस चीज को अतुल जी समझे, जो ये कहे जो मर्जी, अत्रे जी ने मनेसर का जिक्र किया, आप ये बताएं कुंडली मनेसर हाईवे जो बनाया गया 80% जो बन चुका, हमारे टाइम पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आपको ये मैं बात बताना चाहूंगा, जितनी HSIDC में, जितने IMT में, जितने और चीजों में हमारे टाइम पे लाने की बात हुई और हमने वो काफी इंडस्ट्री लाने का काम किया। अच्छी बात है आप लेकर आए, लेकिन मेरा सवाल ये था, आप बात समझे नहीं ढिंगरा साहब, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ढिंगरा साहब अब इस समय भारतीय जनता पार्टी है सरकार में, इन्होंने 1.5 साल के अंदर कौन सी सड़क बनाई, कौन सी इंडस्ट्री का विस्तार किया, बिजली महंगी, सवाल मेरा सवाल लेबर के हो गया, आपने फिर घुमाकर वहीं पर रख दिया कि आप लोगों ने 10 साल में बढ़ावा दिया, इन्होंने 1.5 साल में कुछ नहीं किया, ठीक है, में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको अतुल जी मैं ये बताना चाहूंगा इस समय, आप अतुल जी सुने मेरी बात, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय आप अगर बिजली की बात करें तो एक इंडस्ट्री जिसमें बिजली का मीटर अप्लाई करने से लेके और उसकी इंडस्ट्री में अगर कुछ चल भी नहीं रहा तो भी उसका 1-1 लाख रुपया बिल आ रहा है, तो वो आदमी किस तरह से अपने बिल पे करेगा? आप ये बताएं, उसने काम ही शुरू नहीं किया और 1-1 लाख रुपया इन्होंने अम्मू जी ने बिल भेजना शुरू कर दिया उनको, तो आप ये बताएं कि उनका हालात क्या होगी, वो इंडस्ट्री चला पाएगा क्या इस हालत में? ठीक है सर, मैं समझ गया, आपने 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 अपनी पार्टी का स्टैंड रख दिया, आपका ये कहना है कि चाहे जो भी अव्यवस्थाएं रही हो लेकिन माहौल जो बना हुआ था वो माहौल पूरी तरह से खत्म कर दिया इस सरकार ने, उसमें हैपनिंग हरियाणा कितना सक्सेस होगा इस पर कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा मनोज जी बहुत संक्षेप में आप इसका जवाब दें, फिर मैं अत्री साहब के पास जाऊंगा। बच्चों को प्यार इन लोगों ने किया था जिसका जिक्र कर रहे हैं ढिंगरा साहब, और आज की सरकार बच्चों को प्यार नहीं कर रही? सर देखिए, ढींगरा साहब या सूरजपाल जी, इनकी तो राजनीतिक मजबूरियां हैं, हमारी कोई राजनीतिक मजबूरियां नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बतुल जी बताना चाहूंगा। मानेसर, जैसे ढींगरा साहब ने कहा काफी सारी IMT बनाई, उसमें कोई गलत नहीं है, काफी सारी IMT इन्होंने बनाई, लेकिन हमने पिछली सरकार में भी कहा था कि एक IMT, पहले IMT मानेसर बता, आप उसको बेसिक सुविधाएं देके
उसकी जब रिक्वायरमेंट पूरी ऑक्यूपेंसी हो जाए 60-70% भी हो जाए तब आप दूसरी आईएमटी डेवलप कीजिए। मानेसर में बेसिक सुविधाएं थी नहीं, पिछली सरकार की कमियां बता रहा हूं सर मैं, मानेसर में बेसिक सुविधाएं थी नहीं, आपने दूसरा आईएमटी खोल दिया, तीसरा आईएमटी खोल दिया, चौथा आईएमटी खोल दिया, कितने आईएमटी आपके चल रहे हैं? आईएमटी मानेसर में आज की डेट में 40% ऑक्यूपेंसी है, कोई भी व्हाइट कॉलर स्टाफ आने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका हाईवे मैं यही जानना चाह रहा था, हम सरकार पर अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो टोल की इतनी, अतुल जी एक चीज बोलूंगा, टोल की इतनी बड़ी समस्या है, टोल की इतनी बड़ी समस्या है, आपको आपको इस पर डिसीजन लेना चाहिए था। इसके बाद मेट्रो को पिछले 5 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने वादा किया था कि 2 साल में मानेसर में लाएंगे, आज अगर मानेसर में मेट्रो होती तो शायद गुड़गांव के इंप्लॉई जो नोएडा जाते हैं आज वो मानेसर में जॉब करते हैं, आज मानेसर में 50% बैठते खाली नहीं होते, बातें वहीं आ गई कि माहौल ही नहीं है। कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर दोषारोपण करेगी, एक उद्यमी अपनी बात रख रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि आज भी जापान, कनाडा, चीन तमाम जगहों का दौरा, उसके बाद अपने देश में ही अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं अपने डेलीगेशन के साथ, आज चेन्नई में रोड शो भी किया, उद्योगपतियों से मिले, ये खबर निकल कर आ रही है कि 12 अग्रणी कंपनियां आकर्षित हो रही हैं, उन्होंने निवेश के लिए बात की है, सकारात्मक बात की, और लगभग 3000 करोड़ का निवेश ये एक अपने देश के एक अलग हिस्से से निकलकर हरियाणा में आएगा। मेरा सवाल यह है कि बिजली का मसला, जमीन का मसला, एक माहौल वो है कि उसमें कुछ हो नहीं सकता ये बात हो रही है, और एक माहौल ये जिसका जिक्र कर रहे हैं अम्मू साहब या प्रदीप मलिक कि हां कुछ तो कहीं चर्चा है, कहीं धुआं निकल रहा है तो आग लग सकती है वहां पर उद्योगों की, ऐसा थोड़ा सा माने या बिल्कुल वाकई ऐसी स्थिति है कि सब सिर्फ एक समिट तक सीमित रह जाएगा, उससे ज्यादा नहीं? देखिए अतुल, मैंने शुरुआत में यह बात कही थी कि सरकार प्रचार माध्यमों का प्रयोग करके एक छद्म माहौल बना रही है, जबकि जमीनी सच्चाई एकदम से अलग है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे अमू साहब, थोड़ा सा मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, चाहे वो विदेश में कर रहे हैं या अपने देश में कर रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में पी चिदम्बरम साहब ने बड़े रोड शो किए थे कि उद्योग बाहर से लेके आएंगे। आपको अतुल जी याद होगा, त्यागी जी बहुत बेहतर जानते हैं और मुझे लगता है सभी मित्र जानते हैं, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसी तरह से जापान गए थे आईएमटी मानेसर के सिलसिले में, और आज गुड़गावा में जितने भारी उद्योग हैं, चाहे वो मारुति है, होंडा है, वो उनकी मेहनत का नतीजा है। कांग्रेस के बीच पिछले 10 साल के कार्यकाल में एक भी बड़ा उद्योग हरियाणा में नहीं आया, और जो उद्योग यहाँ पे थे जब उन्होंने एक्सपेंशन यूनिट लगाने की बात आई तो वो भी प्रदेश से बाहर चले गए। तो ये तो हालात रहे हैं कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल का, जो रिकॉर्ड के ऊपर है। ठीक है, दूसरी बात ढींगरा साहब ने अभी कही थी कुंडली मानेसर हाईवे की, अतुल साहब कुंडली मानेसर हाईवे जो है हमारी सरकार के कार्यकाल में प्लानिंग बनी 1200 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट कॉस्ट थी, जब इसका काम शुरू होना था सरकार बदल गई, कांग्रेस का राज आया, और वो कुंडली मानेसर 1300 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार मात्र उसका 60% काम, जो कहते हैं कि पूरा हुआ, 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 80% काम हुआ, 1300 करोड़ रुपए काम पूरा नहीं हुआ, 80% के बाद भारतीय जनता पार्टी 200 में उसका टेंडर करती है, और आज उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 2700 करोड़ रुपया, 1300 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्च कर दिया, 2700 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी खर्च करेगी, 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कितने का हो गया तुल साहब, 4000 करोड़ रुपए का, ये किसकी जेब पे डाका डाला, किसका नुकसान हुआ, प्रदेश की जनता के पैसे का नुकसान हुआ। ठीक है, ये हालात है। अभी अम्मू साहब कह रहे थे कि साहब 15 महीने का कार्यकाल है, आपने 10 साल में क्या, 5 साल, लेकिन लेकिन मेरा एक सवाल अत्री साहब, संक्षेप में एक सवाल, फिर अम्मू साहब आपका जवाब देंगे, उद्योगों को माहौल देने, प्रवीण अत्री साहब बस इतना सवाल जवाब मेरा है कि उद्योगों का माहौल ही नहीं है, ये एक माहौल की का जिक्र ढींगरा साहब कर रहे थे, आपने और भी माहौल कही, क्या धैर्य रखने की बात जो प्रदीप मलिक ने कही थी वो उसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं? देखिए अतुल, धैर्य की जहां तक बात है, सरकार इनकी है, जितना मर्जी टाइम देते रहे, जितना मर्जी धैर्य रखने की बात करें, प्रदेश की जनता के सामने अब आने वाले 3.5 साल तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, धैर्य तो जनता रखेगी, लेकिन प्रदीप मलिक थोड़े ना सत्ता में, प्रदीप मलिक पत्रकार हैं सर, 15 महीने में, अरे अत्री साहब भूल गए क्या, प्रदीप मलिक दाम, अरे अत्री साहब प्रदीप मलिक सरकार नहीं है सर, वो पत्रकार हैं सर। ठीक है,
ठीक है, अब जवाब लेते हैं सूरजपाल। मैं प्रदीप मलिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। धैर्य का ऑप्शन उन्होंने दिया, बात कहूंगा धैर्य का ऑप्शन उन्होंने दिया। बिजली के दाम बढ़ा के आप 10.5 रुपए यूनिट कर देंगे तो उद्योग कैसे आएगा? कैसे आएगा? इनका जवाब देते हैं, इनका जवाब देते हैं। बिजली तो आसमान पे छू रही है, बिजली के दाम। ठीक है, हम उसका बताइए, ये बुनियादी बातें हैं। जैसा जैसा मनोज जी को आपने सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने खुलकर कहा कि मैं कोई राजनीतिक दल नहीं हूं, मैं उद्यमी हूं, उद्यमियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मैं यहां पर अपनी ये बात रख रहा हूं कि दरअसल हमारी भी सुन ले और बाहर से भी जो आ रहे हैं उनकी भी सुने, उनको भी लेकर आए। और उस बीच में राजनीतिक दल बिजली जमीन अपनी अपनी नीति अपनी अपनी बात, क्या टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं बिना इन कमियों को दूर किए? और कैसे आप कह सकते हैं कि हां बिजली की कमी नहीं है, जमीन के रेट का मसला नहीं है, क्यों आएगा, कैसे आएगा? अतुल, मैं एक बात कहना चाहता हूं। प्रदीप मलिक पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात की, राजनीति से परे हट के बात करी और जैसे पत्रकार बंधुओं को अपने सुझाव देने चाहिए उन्होंने दी। उन्होंने कहा संयम रखने की आवश्यकता है। ये संयम रखने की बात जो कही, जो त्यागी जी ने जो बात की, मैं त्यागी जी से कहता हूँ अगर कोई समस्या है तो उसका बैठकर समाधान निकाला जा सकता है। परंतु जिस हैपनिंग हरियाणा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री चले हैं और जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, मैं विपक्षी मित्रों से भी, विपक्ष के साथियों से भी, भाई आपने चौटाला साहब ने IMT बनाया, धन्यवाद बधाई। कांग्रेस ने 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया सबको पता है, कितने यूनिट गए आप सबने बता दिया। सुनिएगा, मैं एक बात कहता हूँ, विपक्षी मित्रों को भी हरियाणा की छवि को धूमिल करने का हक नहीं है। अरे रुको भैया, अरे मैं नहीं बोला आपके बीच में, मेरे को बोलने दो ना। अरे ये कोई विधानसभा नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, पार्टी तो आपस में बधाई देगी। और अरे सुनो ना, आपके राज में कितने लोगों ने यहाँ पर उद्योग घटे, कितने बड़े बड़े उद्योग गए, कितने मजदूरों के ऊपर लाठियां गोलियां चले गई, मैं उनका विषय उनका जिक्र नहीं, आप बहस ना करें, आप भड़े कम नहीं हुए, आपको सुनना चाहिए। जमीन पर साहब सुन लेते हैं सर, आप बोले तो आपके, मैं आपके समय पर सुन रहा था, आप सुनना चाहिए। ठीक है, मैं केवल मात्र इतना कहना चाहता हूँ, अगर हरियाणा के अंदर बड़े उद्योग आते हैं, अगर हमारा 2 लाख करोड़ का टारगेट जो माननीय मुख्यमंत्री ने, वित्त मंत्री ने रखा है, अगर उससे ज्यादा बड़ा टारगेट हरियाणा के अंदर हम लेकर आते हैं तो हरियाणा के अंदर छोटे उद्योगों का फायदा होगा, बेरोजगारों का फायदा होगा, हरियाणा का नाम रोशन होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, आज के विषय को आप बिजली का मुद्दा ना बनाए, आज बिजली के मुद्दे पर ज्यादा चर्चा है। हाँ, कुछ समस्याएं हुई होंगी, रही होंगी, परंतु त्यागी जी मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ, आप भी गुड़गांव रहते हैं, मैं भी गुड़गांव रहता हूं, हम लोग कल बैठ सकते हैं, कोई समस्या है उसके समाधान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। परंतु हमारे जो मुहिम को माननीय मुख्यमंत्री देश विदेशों के अंदर लेकर घूम रहे हैं, लोगों से व्यापारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, हम लोगों को कम से कम धैर्य संयम रखे, जैसे प्रदीप मलिक जी ने कहा अपने को थोड़ा सब्र करना चाहिए, रखने की जरूरत है, इस मेहनत को सफल बनाने में सहयोग करना। लेकिन अम्मू साहब इतने खुले दिल से कह रहे हैं कि कोई भी दिक्कत है तो आइए बैठ कर बात करिए, वो अधिकारी भी इतने खुले दिल से इन लोगों की सुन लेते तो सुनेंगे साहब, कैसे नहीं सुनेंगे, वो सरकार के नौकर हैं, कैसे नहीं सुनेंगे, सुनते नहीं है, सुनना पड़ेगा, कई बार ऐसा होता है, सुनना पड़ेगा सर। अब वक्त हमारे पास कम है, फाइनल कमेंट की तरफ बढ़े, उसके पहले प्रदीप मलिक मैं आपसे जानना चाहता हूं, धैर्य रखने का तो आपने ऑप्शन दे दिया, लेकिन अब यहां पर अगर बात करें जो छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेकर बार बार चर्चा हो रही है, बिजली का मसला, जमीन का मसला और जो दिक्कतें हैं मनोज त्यागी की या उद्यमियों की, क्या उसको लेकर वाकई सरकार ने अपनी तरफ से अपनी पॉलिसीज में कोशिश की है? लेबर का भी मसला उठाया यहां पर और आज ही लेबर पॉलिसी को फिर से रिन्यू करने और लेबर पॉलिसी अच्छी बनाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। अतुल जी, जो त्यागी जी बात कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो नई पॉलिसी है, जहां मैंने पढ़ी है, उस पॉलिसी में एक बात बिल्कुल स्पष्ट आ गई कि जो उद्यमी पर जो बार बार इन्हांसमेंट कॉस्ट जो लगा देते थे वो नहीं लगाएंगे, एक ही बार में बता दिया जाएगा कि इतने रेट में हम प्लॉट देंगे, उसके बार बार नहीं लगेगा। जैसे मानेसर की बात करें, मानेसर में ही कोर्ट के ऑर्डर से 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा तो इन्हांसमेंट कोस्ट लग चुकी है, वो उद्यमी ने दिया, उस उद्यमी से उस कोस्ट से क्या हुआ, जो उसका मुनाफा था वो तो सारा उधर चला गया SIDC की तरफ से। और जो त्यागी जी बात कह रहे हैं कि वो जैसे पहले IMT मानेसर चाहे जो पहली यूनिट है वो फुल हो जाना चाहिए था, उसके बाद आप दूसरा IMT आप उस डेवलप करते, फिर तीसरा करते, ऐसे करते तो आज दिक्कत नहीं होती। आज जो HSIDC है, आज के दिन की बात करूं तो 6,000 करोड़ रुपया उस पर कर्ज है। ये बात सही है कि लैंड बैंक बहुत है HSIDC के पास, 12,000 एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक है, लेकिन आज पूर्व सरकार के समय में क्या होता था कि जैसे कई जगह ऐसी जगह IMT बनाई गई जो उनके अभी प्लॉट ही नहीं बिक रहे, अब
आईएमटी गोहाना बन रही है, ये गोहाना किस लिए बनाई गई थी कि रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, वो फैक्ट्री यहाँ नहीं आई, तो उस वजह से वो जो जमीन है अब उसके तो एचएसआईडीसी ने पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का ये बंदोबस्त और कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आईएमटी जो मदीना में बनना है, ये सारी बातें इनको भी फोकस में रखा। ठीक है, मैं रुकूंगा प्रदीप मलिक, रुकूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है और एक मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए, थोड़ा देर से ही सही लेकिन जुड़े हैं, महेश पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश पुनिया, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, देर में चूंकि आप जुड़े हैं, आप क्यों आखिर विरोध कर रहे हैं, या आप विरोध कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हैपनिंग हरियाणा से क्या दिक्कत है, क्या यह प्रचार पाने का तरीका है? कुछ उद्यमी इस तरीके से भी इस मसले पर अपनी बात रख रहे हैं। सर, इसमें जो सरकार की जो पहल है, इसके लिए मैं सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं, बट काफी हद तक जो त्यागी जी का भी मैंने विचार सुने यहाँ पे, काफी हद तक मैं इनसे सहमत हूँ कि हाईवे एक ही है, कनेक्टिविटी उस हाईवे से है, और हीरो हांडा और टोल दो बहुत मेजर ऑब्स्टेकल्स हैं, और जो जितनी भी हमारी लेबर क्लास है उनके लिए रहने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो अभी बहुत सारी मूलभूत चीजें ऐसी हैं जिसके भी कमियां हैं इस औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के अंदर भी। तो मेरे हिसाब से अब भी गवर्नमेंट को बहुत कुछ इसके ऊपर करना पड़ेगा। हैपनिंग हरियाणा से खुश हैं कि नहीं, बस इतना बताइए सर, वक्त नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे मेहमान हैं, आप देर से जुड़े हैं, हैपनिंग हरियाणा का स्वागत कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी 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 समय मैं नहीं कह सकता कि अभी खुश हैं, लेकिन इस विचार का मैं स्वागत करता हूं, बट अभी खुशी वाली कोई भी बात नहीं है। चलिए ठीक है, खुश नहीं है लेकिन आप या ये जरूर कहते हैं कि हम स्वागत करते हैं। मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा बहुत संक्षेप में अपना फाइनल कमेंट रखें। डिंगरा साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्या हैपनिंग हरियाणा सक्सेस होगा? थोड़ा 10 में से कुछ नंबर देंगे इनको। आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा, ये 3000-4000 करोड़ का जो आंकड़ों का खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जीरो है, और इसके अंदर एक भी उद्योग नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आगे ये जो है ना, झूठा प्रचार, झूठी बातें, झूठा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। घर की मुर्गी को दाल बराबर करते हैं ये लोग, उनके लिए कोई जो एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे, उनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। आज तक जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में एक भी काम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं किया अभी नहीं तक किया। और जो दूसरी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए, जवानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, किसी के लिए कोई काम नहीं किया है, जीरो नंबर कांग्रेस की तरफ से साहब आपके लिए जीरो नंबर। ठीक है, वक्त नहीं मेरे पास, अत्रि साहब आप देंगे एक दो नंबर या आप भी जीरो, थोड़ा धैर्य रखा जाए। देखिए राहुल, ऐसा है जो जिस तरह से रोड शो मुख्यमंत्री जी ने रोड शो किए थे, चाहे विदेश में किए या देश में किए, तो इन्होंने उद्योगपतियों को अट्रैक्ट करने के लिए अक्सर एक बात बोलते थे कि आप हरियाणा में उद्योग लगाओ तो आपको करों में राहत देंगे। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है मुंह साहब से कि आप अट्रैक्ट करने के लिए ये बात बोल रहे हैं, जो उद्योग पहले से हरियाणा में काम कर रहे हैं, मानेसर में काम कर रहे हैं, क्या इक्वल प्ले फील्ड देना आपका काम नहीं है? क्या उनको इक्वल प्ले फील्ड नहीं मिलना चाहिए? क्या अगर आप नए आने वाले को राहत देने की बात करते हैं तो जो पहले चल रहे हैं उनको राहत नहीं देना चाहिए? आप उनके लिए बात क्यों नहीं बोलते जिससे कि उद्योगपति जो पहले से उद्योग लग रहे हैं, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, और कई उद्योग तो ऐसे है कि बाहर शिफ्ट करने के हालात बने हुए हैं, तो कम से कम उनको ऑक्सीजन मिले। हाँ। वो यहाँ पे प्रॉपर काम कर पाए, ऑक्सीजन देने की कोशिश करनी चाहिए पहले उनको और उसके बाद बाहर से निवेश लाने के। लेकिन कोई एक दो नंबर देंगे इनको, नंबर बस इतना बता दीजिए, हरियाणा समिट से कुछ उम्मीद कर सकते हैं हैपनिंग हरियाणा से? देखिए राहुल, कतई नहीं, कोई भी नंबर नहीं दे सकते राहुल, क्योंकि सारा छद्म माहौल बन रहा है, छद्म माहौल के राहुल जी याद रहते हैं, समझ में आता है, आप क्यों भूल रहे हैं? सॉरी अतुल, सॉरी कोई बात नहीं सर, बोलिए। नहीं नहीं, हम सॉरी अतुल, ये एक छद्म माहौल है। ठीक है, छद्म माहौल, यानी उन्होंने जीरो नंबर दिया, इन्होंने कहा कि छद्म माहौल, यानी यहां पर भी जीरो। प्रदीप मलिक, बहुत संक्षेप में अपना फाइनल कमेंट, बहुत संक्षेप में सर। अतुल जी, जैसे पहले ही कहा कि 9 मार्च तक तो इंतजार करना चाहिए, उसके बाद सारी बात होनी चाहिए कि कहां कहां मुख्यमंत्री जी गए थे, तो कहां से जो MOU हुए थे, क्या वो वास्तव में आए हैं नहीं आए हैं। लेकिन इस समय इस बारे में कुछ भी कहना, क्योंकि किसी के घर में शादी हो और शादी के टाइम पे ऐसा माहौल हो तो उसे व्यवस्था
बिगड़ती है। नो मार्च शादी का माहौल है, कुछ नकारात्मक ना बोले, ये ठीक है। मनोज त्यागी, मनोज त्यागी, हम उस साहब को जवाब दें, उसके पहले मैं चाहूंगा आप बताइए, बात बिल्कुल सही है, लोगों की बात को कुछ मानने के साथ साथ अगर हैपनिंग हरियाणा भी आगे बढ़े तो बेहतर है। आप उम्मीद करते हैं कि उनको लाने के साथ साथ आपकी भी सुनेंगे ये लोग? बिल्कुल अतुल जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल आपके न्यूज चैनल पे जब ये खबर दिखाई जा रही थी कि हम विरोध करेंगे, तो उसके बाद मेरे को सरकार की तरफ से फोन आए कि जी आप अपनी डिमांड भेजिए, आपकी क्या परेशानी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि कल हम अपना मांग पत्र सरकार को दे रहे हैं, और जैसे बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई सूरजपाल जी ने कहा है कि हम बैठ सकते हैं, ये बहुत अच्छा कदम है, और सरकार की तरफ से बड़े अधिकारी के अगर कोई हमें आश्वासन मिलता है, और अभी हैपनिंग हरियाणा में एक मंथ का टाइम है, कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो एक महीने के अंदर हो सकते हैं, कुछ के लिए हमें आश्वासन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम खुले दिल से सरकार के साथ से स्वागत करते हैं, और बहुत बहुत अच्छी बात, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं चाहूंगा महेश पुनिया से, महेश पुनिया आप एक लाइन में उद्योग आएंगे, मैं तो हमेशा आशावादी रहूंगा, महेश पुनिया मैं तो चाहूंगा कि उद्योग आए, हरियाणा की तरक्की बढ़े। बिल्कुल मैं सरकार को इसमें कुछ अंक देना चाहूंगा, क्योंकि किसी सरकार की ये पॉजिटिव सोच है, और मैं इसमें सरकार को 3 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि जहां से सोच शुरू होती है वहीं से काम शुरू होता है। ठीक है, अम्मू साहब, डिंगरा साहब ने दावा किया कि आपका 3,000 करोड़ का आंकड़ा या 65,000 करोड़ का आंकड़ा या लाख करोड़ का आंकड़ा सब जीरो है और छद्म माहौल है, ये कहा है प्रवीण अत्री साहब ने, आप क्या दावा कर रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, अब तक हजारों हरियाणा के ही नहीं, कलकत्ता के, चेन्नई के, दिल्ली के, एनसीआर के हजारों उद्योगपतियों से मिल चुके हैं, संस्थाओं से मिल चुके हैं। मैं अपने उद्यमी मित्रों को एक सलाह देना चाहता हूं, आप लोग आए बैठकर मसलों को हल करें, निश्चित तौर पर समस्याओं का समाधान होगा। विपक्षी मित्रों को भी एक राय देना चाहूंगा, आपको विरोध करना है, आपको 3.5 साल और विरोध करना है, करते रहिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं एक बात चाहता हूं, हम लोगों ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया है, हम हरियाणा के अंदर उद्योग लाएंगे, और 2 लाख करोड़ का जो टारगेट माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है, हम उससे ऊपर जाएंगे और 10 में से 20 नंबर लेकर आपको दिखाएंगे। चलिए धन्यवाद, ये तो एकदम से अजूबा हो गया, 10 में से 20 लाएंगे, ये बड़ा दावा है। आप रहे हैं कि आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 154 वाले सपने देखते रहो भैया, परेशान होकर परेशान रहते हो, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में फिलहाल बस इतना ही।